1542 में आज ही के दिन मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। 1878 में आज ही के दिन एडिसन ने इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की स्थापना की। 1917 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड की प्रसिद्ध नृत्यांगना माता हारी को जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में फ्रांसीसी सैनिकों ने गोली मारी। 1924 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति काल्विन कोलिड्स ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। 1931 में आज ही के दिन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म हुआ, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्हें 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधियां प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कलाम को वर्ष 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। 1932 में आज के दिन टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की। 1949 में आज के दिन त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया। 1961 में आज के दिन हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन हुआ। 1978 में आज के दिन सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। 1988 में आज ही के दिन उज्ज्वला पाटिल समुद्र के रास्ते विश्व का चक्कर लगाने वाली पहली एशियाई महिला बनी। 1990 में आज ही के दिन बॉलीवुड अभिनेता ओम शिवपुरी का निधन हुआ। 1990 में आज ही के दिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1996 में आज ही के दिन फिजी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना। 1997 में आज के दिन अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। 1998 में आज के दिन गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की फातिमा बी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया।